नमस्कार नमस्कार, आज हमारे सामने हैं भरत शर्मा जी, जो कि ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। सर आपका स्वागत। नमस्कार। सर नमस्कार, ये आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, खुर्जे वाले के बारे में कुछ बताइए। टीवी हाइड्रो पावर लिमिटेड का। क्या नाम है? टीएचपीसी का। टीएचपीसी टीवी हाइड्रो पावर टीरी टीरी। अच्छा, सरकारी कंपनी, उनका प्रोजेक्ट है। हाँ जी, मिठाई भी लेते लेते बात कर रहे थे थोड़ा। ये मज़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मज़ा लेने के लिए और बिसलरी पानी के लिए, बहुत दोनों बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में शायद काफ़ी टाइम से काम चल रहा है मेरे ख्याल से। सर प्रोजेक्ट सैंक्शन है पहले का, 2019 का। ओके। काम अभी लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ओके, ये सरकार आने से थोड़ा तेज हो गया जी। तो ये अगर मान लो मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, ये देखने जाना तो कहाँ जाऊँ? सर बुलंदशहर अलीगढ़ रोड जो है। हाँ, बुलंदशहर अलीगढ़ जी, तो हाईवे पे ही है, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर। ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा जी। कितने किलोमीटर में फैला होगा? 350 किलोमीटर। तो थर्मल प्लांट मतलब ये कोला जला के बनाएंगे जी सर। तो झील बनानी पड़ेगी छोटी सी इनको जी सर। अच्छा, हमारा उसमें क्या काम मिला? हमें CHP का काम मिला है। वो क्या होता है? कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोला आना शुरू हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो बेस बन रहा है जहाँ पे रखा जाएगा कोला जी। तो ड्रैगन डिप्लर बना है जहाँ पे कोयला गाड़ी से आता है माल, रेल पटरी बिछ रही है, वहाँ से जो खाली होता है वहाँ से फिर हमारा मेन प्लांट तक ले जाने का, स्टोरेज पे ले जाने का, जो कन्वेयर बेल्ट होती है उनका काम है। अच्छा, जैसे हमने फिल्मों में देखा है सीमेंट बनता है तो पत्थर जाते हैं कन्वेयर बेल्ट पे, दौड़ते दौड़ते वहाँ गिराते रहते हैं, और बिल्डिंग का काम है। अच्छा अच्छा, ये तो फिर जो बॉम्बे वाली रेल ट्रैक है उसी से जोड़ेंगे शायद, क्योंकि यहाँ से जाती है ना सीधी गाड़ी पीछे से, और कलकत्ता की तरफ भी जाती है। और एक नई बन रही है वो जो बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है, उसी से ये रेलगाड़ी को जोड़ेंगे जो कोला लेके आएगी। उसी से जोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अभी वहाँ क्या क्या हो गया? आप तो साइड पे गए होगे जी सर। वहाँ क्या क्या बन चुका है अभी? सर अभी तो बेसिक चार दीवारी होगी पूरे प्रोजेक्ट की। क्या चार दीवारी होगी अभी? CNG हाँ, दीवारी हो, चार दीवार होगी। हाँ जी, उसके अलावा बाकी सबके ऑफिस बन गए, कंपनी का काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा, और ड्रैगन डिप्लर जो है उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके, और हमारे को भी हो गया 3 महीने काम करते रहे। ओके, तो आपका क्या शेड्यूल है जाने का? तो जो आपके गुड़गांव वाले पार्टनर है वो भी साथ ही जाते हैं। वो यहीं आते हैं डेली? जब भी आरएफ को तो लग जाती होगी है, क्योंकि आने में 1.5 घंटा, फिर आगे 1.5 घंटे। कौन सी गाड़ी है उनके पास? उनके पास छह गाड़ी यहाँ छोड़ जाते हैं, आपकी गाड़ी में आगे चले चलते हैं। अरे बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा, इनमें पापा आपकी कैसे हेल्प करते हैं समझाने में करने में? अच्छा, वो कंसल्टेंट है, पूरा बताते हैं। और मदर आपकी डायरेक्टर है कंपनी, मदर साइलेंट डायरेक्टर है, उसमें कोई रोल नहीं है। रूबी जी भी आगे पीछे पीछे देखो जी, सर आपको बधाई देने आए हैं। मैं सर के प्रोजेक्ट के बारे में 2-4 बातें पूछ रहा था। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुर्जा के पास एक प्लांट बन रहा है, वहाँ जाते हैं पूरा पसीना बहाते हैं। देखो पहले आए थे गोरे गोरे थे, सांवला हो गया रंग जल जल के धूप में, पैसे आसानी से नहीं कमते। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में बहुत काम आ रहा है, अगर किसी को कोई भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो यहाँ पे काम शुरू कर सकता है। तो भी आपकी क्या राय है जैसे एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और ये तो काम यहाँ पे खाना पीना चलता रहेगा सारी उम्र है, खूब खाओ नंगे नाव मौजे मारो। तो दोस्तों जिसे आना है आ जाओ, रहने के लिए काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अच्छा भरत जी, आप थोड़ी बेसिक बताओ, पढ़ाई कहाँ से की आपने? बैचलर्स करी है अमेठी यूनिवर्सिटी से। किस ट्रेड में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मास्टर्स करी है मैंने US से। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क। अरे गुरु जी, इससे बहुत मोटा खर्चा हो गया होगा। किस साल में किया आपने? सर मैंने किया था 17-18। भाई शाबाश, तो जॉब अच्छी नहीं लगी? नहीं था जॉब में तो अच्छा पैसा मिल ही जाता आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो जो पार्टनर का नाम क्या आपके डायरेक्टर का? सिद्धार्थ। सार्थक। उन्होंने क्या पढ़ाई किया? MBA। तो मिलके काम करो। चलिए, बहुत अच्छी टीम है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप आए, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।